राम राम किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो उड़ नहीं सकता, रेंगने वाला होता है। जब ये एडल्ट हो जाता है तब उड़ने लायक होता है। इसे थ्रिप्स बोलते हैं, आप देसी भाषा में इसे रूजी कह सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। ये रस चूसक कीट पौधों की पत्तियों को चूसकर कुछ इस प्रकार कर देता है। जैसा कि आप मिर्चे की पौधा देख रहे हैं, तो ये पत्तियों को रस को चूसकर उसमें सिकुड़न आ जाती है पत्तियों पौधों के पत्तियों में। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों की पत्तियों में सिकुड़न आ जाएगी तो आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, और पौधे कमज़ोर होने की वजह से आपकी जो फसल की उत्पादन क्षमता है वह घट जाएगी और आपका नुकसान होने लगेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे, इस कीट को कैसी रोकथाम कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये जो बायर क्राप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कि रीजेंट के नाम से दवा आती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर इसकी खड़ी फसल पर आप छिड़काव करें तो इस कीट को नष्ट किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। उसके बाद में आप बायर कंपनी का यदि रीजेंट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में आप जो कि यही दवा घरणा केमिकल लिमिटेड कंपनी की आती है और यही दवा अदामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगाड़ी SC के नाम से आती है, आप इसको लेकर और इसका घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो आप थ्रिप्स जो कि रेंगने वाला कीड़ा होता है, आप इसको रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में आप बायर कंपनी का ही जंप के नाम से आती है जो जिसमें फिब्रोनिल 80% WG पाई जाती है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें तो आपके फसलों की पत्तियों में या पौधों की पत्तियों में होने वाले सिकुड़न से आप अपने फसलों को बचा सकते हैं और आप भरपूर उत्पादन अपनी फसलों को कर सकते हैं। कोई भी फसल हो, जिस भी किसी फसल में रूजी का प्रकोप हो रहा है यानी थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है तो इन दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।